नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैट्रिकल और आज हम जानने वाले हैं सीडीआई क्या होता है और कैसे होता है, यानी कि सीडीआई से रिलेटेड आज की वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सीडीआई होता क्या है। तो सीडीआई एक छोटा सा डिवाइस होता है जो हमारे स्पार्क प्लग के पास सही टाइम पर करंट पहुँचाने का काम करता है, जिससे हमारे इंजन के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर अच्छी तरह से जल सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी जब हमारा सीडीआई ख़राब हो जाता है तो हमारी गाड़ी झटके देने लगती है और मिसिंग करने लगती है। वो इसलिए क्योंकि जब भी सीडीआई ख़राब होती है तो टाइमिंग जो है वो गड़बड़ हो जाती है और हमारा गाड़ी झटका देने लगता है। तो चलिए अब मैं आपको सीडीआई का पूरा मतलब समझाता हूँ। तो सीडीआई का मतलब होता है कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। तो पहले हम कैपेसिटर को समझते हैं। तो कैपेसिटर एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जिसका काम होता है करंट को इकट्ठा करना और ज़रूरत पड़ने पर आगे भेज देना। अब आप कहेंगे फिर तो ये बैटरी हो गया, क्योंकि बैटरी भी करंट को इकट्ठा करता है और ज़रूरत पड़ने पर आगे भेज देता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बैटरी बिल्कुल भी नहीं है और बैटरी जैसा ये काम भी नहीं करता, क्योंकि बैटरी जो है वो चार्ज होने में बहुत टाइम लगाता है और फिर डिस्चार्ज होने में भी बहुत टाइम लगाता है। लेकिन हमारा जो कैपेसिटर होता है वो बहुत जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि सेकेंड से भी कम टाइम में ये चार्ज हो सकता है और डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसीलिए इसको हम बैटरी बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो ये हो गया सी, यानी कि कैपेसिटर। अब हम डिस्चार्ज समझते हैं। तो डिस्चार्ज और कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, यानी कि जो कैपेसिटर होता है वो खुद को डिस्चार्ज करके और सारा करंट हमारे स्पार्क प्लग पे भेज देता है। तो ये हो गया कैपेसिटर डिस्चार्ज। अब इग्निशन को समझते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे स्पार्क प्लग के पास करंट पहुंचाने का काम करती है, वो सारी चीज़ें इग्निशन के अंतर्गत आती है, जैसे इग्निशन कॉइल, इग्निशन स्विच और हमारा सीडीआई, यानी कि कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। अब देखते हैं ये सीडीआई काम कैसे करता है। तो सीडीआई का सबसे पहला काम होता है करंट को इकट्ठा करना। अब वो करंट कहाँ से लेगा वो निर्भर करता है हमारे सीडीआई के ऊपर। अगर हमारे गाड़ी में एसी सीडीआई लगा हुआ है तो वो करंट लेगा हमारे स्टार्टिंग कॉइल से, और अगर हमारे गाड़ी में एसी डीसी सीडीआई लगा हुआ है तो वो करंट लेगा स्टार्टिंग कॉइल से भी और आरआर यूनिट से भी, और अगर हमारे गाड़ी में डीसी सीडीआई लगा हुआ है तो वो करंट लेगा सिर्फ आरआर यूनिट से। अब यहाँ से करंट लेने के बाद हमारा कैपेसिटर हो जाएगा फुल चार्ज। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि कैपेसिटर तो फुल चार्ज हो गया है, लेकिन कैपेसिटर का करंट वापस भी तो जा सकता है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए बीच में लगाया जाता है एक डायोड। डायोड का काम क्या होता है, करंट को एक ही दिशा में भेजना, जिससे होता क्या है कि कैपेसिटर के पास करंट आ तो जाता है लेकिन कैपेसिटर का करंट वापस हमारे आरआर यूनिट में जा नहीं सकता है, क्योंकि बीच में लगा हुआ है डायोड। अब यहाँ पर पहला काम हमारा ख़त्म हो जाता है कैपेसिटर का चार्ज करने का। अब दूसरा काम होता है टाइमिंग का, यानी कि हमारे कैपेसिटर का करंट को एचटी कॉइल तक पहुँचाने का। अब टाइमिंग क्या होता है, तो टाइमिंग का मतलब होता है जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर यानी कि सबसे ऊपर पहुँच चुका हो। तो अब सीडीआई को कैसे पता चलता है कि हमारा पिस्टन सबसे ऊपर है या नहीं, तो इसके लिए हमारे इंजन में मैग्नेट के पास एक सेंसर लगा होता है जिसको हम लोग पिकअप कॉइल बोलते हैं। अब मैग्नेट के ऊपर भी एक छोटा सा डॉट बना होता है, जब भी पिस्टन टॉप पे पहुंचती है तो वो डॉट जो होता है वो पिकअप कॉइल के सामने आता है, और जैसे ही डॉट पिकअप कॉइल के सामने आता है तो पिकअप कॉइल करंट भेजता है हमारे सीडीआई को, और सीडीआई में यहाँ पर एक लगा होता है एससीआर, यानी कि सिलिकन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब इस एससीआर में से तीन तार निकलते हैं। पहला तार से हमारा कैपेसिटर का तार जुड़ा होता है, दूसरे तार से हमारा पिकअप कॉइल का तार जुड़ा होता है, तीसरे तार से हमारा एचटी कॉइल का तार जुड़ा होता है। अब हमारे कैपेसिटर का करंट हमें पहुंचाना है एचटी कॉइल में, लेकिन ये तभी होगा जब हमारे बीच वाले यानी कि पिकअप कॉइल वाले तार में हमारा करंट मिले। तो जब भी पिस्टन टॉप पे पहुंचेगा तभी हमारा पिकअप कॉइल करंट भेजेगा इसको, और जैसे ही इसको करंट मिलेगा ये कैपेसिटर के करंट को आगे एचटी कॉइल में भेज देगा। अब यहाँ एचटी कॉइल में करंट आने के बाद इसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि हमारे एचटी कॉइल में स्टेप अप ट्रांसफार्मर वाला मैकेनिज्म रहता है, यानी कि इसमें भी दो कॉइल रहती हैं। अब पहले कॉइल में 100 बार तार को घुमाया जाता है और दूसरे कॉइल में 200 बार,
अब इधर से हमारा कैपेसिटर का करंट आया और 100 बार घूम के बॉडी में चला गया। अब इधर 100 बार घूमा क्योंकि इसमें 100 बार तार लपेटा हुआ था और इसमें 200 बार तार लपेटा गया है, तो जितना करंट इससे पास हुआ इससे 2 गुना दूसरे वाले कॉइल से करंट बनेगा और वो 200 गुना होके और यहाँ पर हमारे प्लग के पास चला जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि मैं जो 100 बोल रहा हूँ 200 बोल रहा हूँ तो आप ये बिल्कुल ही मत समझिएगा कि 100 बार ही लपेटा गया रहता है या फिर 200 बार ही रहता है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोला हूँ। अब ये जो करंट HT कॉइल से निकलता है वो लगभग 20,000 से 30,000 के करीब में वोल्टेज बन जाता है और इतना ज़्यादा करंट जब स्पार्क प्लग के पास पहुँचती है तो स्पार्क प्लग में एक छोटा सा गैप होता है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद जब इतना ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण इस छोटे से गैप को ये करंट जंप करता है और जब भी करंट जंप करता है जब तार बीच में नहीं होता है तो वो चिंगारी होती है। और यहाँ पर याद रखिए कि हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक का टॉप डेड सेंटर पे अभी पिस्टन है, तो यानी कि मिक्सचर को अभी कंप्रेस कर रखे है और बीच में अभी चिंगारी भी आ गई, तो चिंगारी आने से जोर से बीच में एक धमाका होता है और हमारा पिस्टन नीचे जाता है और इंजन को पावर मिलने लगता है। इतना टाइम लग गया मुझे बताने में लेकिन ये सारा काम सेकेंड से भी कम टाइम में हो रहा होता है, तो इसी तरह काम करता है पूरा हमारा CDI का इग्निशन सिस्टम। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया हो कि CDI क्या होता है, कैसे काम करता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा था, और ऐसे ही वीडियोज अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।